वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में, जहां आप पढ़ते हैं इंटरेस्ट के साथ, जहां आप समझते हैं उन चीजों को, जहां आप सीखते हैं वो सब जो आपके मार्क्स के लिए भी जरूरी है और आपके आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ चीजों को रट्टा नहीं मारे, वो चीजें आपको एंड तक समझ में आ जाए, ताकि आप उन चीजों को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। हम आज से एक काम और करेंगे कि जो भी आपको टॉपिक समझाया जाएगा, उस टॉपिक के ठीक लास्ट में आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। देखो बच्चों, जरूरी भी है कि कोई चीज आपको कितनी समझ में आई है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको एंड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। क्वेश्चन यूं ही नहीं बना दिए गए हैं, क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो आपके इस टॉपिक से रिलेट करें और जितना आपको टॉपिक समझ में आए वो आप लिख सकें। तो वीडियो पूरा जरूर देखना है, ताकि आप वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। चैप्टर के लास्ट तक जो बच्चा सारे क्वेश्चंस के आंसर सही देगा उसको हम वीडियोस में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है, पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक सिद्धांत, उस किताब का तीसरा चैप्टर समानता। समानता की जब हम बात कर रहे थे, तो समानता जो है स्वतंत्रता के बाद की हालांकि धारणा जरूर है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही किसी भी मानव की गरिमामयी उपस्थिति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो हमने समानता में काफी चीजें डिस्कस कर ली थी जब हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट किया पढ़ा था। हम आज पढ़ेंगे समानता के आयामों के बारे में। आयाम क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। देखो, आयाम यानी आस्पेक्ट। हम एक सिक्का भी लेते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, यानी उसके दो हिस्से होते हैं, दो तरीके के उसके जो दिखने के हमारे विचारधारे हैं, कह सकते हैं कि उस सिक्के के भी दो तरीके होते हैं। तो उसी तरह हर चीज के भी अलग अलग आयाम होते हैं। तो अगर समानता की हम बात करें तो समानता को हम तीन आयामों में पढ़ सकते हैं। पहला इसका आयाम है राजनीतिक, दूसरा होगा सामाजिक, और तीसरा होगा आर्थिक। आज हम इन्हीं तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इससे क्या समझते हैं कि भाई राजनीतिक आयाम क्या है, समानता को राजनीतिक रूप कैसे दिया जा सकता है? देखो, हर उस देश के रहने वाला या जो भी निश्चित राज्य है वहां का रहने वाला हर नागरिक पूरे पूरे सम्मान के साथ जिए, उसको वो सभी नागरिक स्वतंत्रताएं मिली हो। नागरिक स्वतंत्रता में क्या चीजें आती है? देखो, सबसे पहली जो नागरिक स्वतंत्रता में चीजें आती है, उनमें सबसे पहली तो होती है उस नागरिक की जो नागरिकता है वो। नागरिकता से आप क्या समझते हो? उस देश का नागरिक है, वहां का रहने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर समान नागरिकता नहीं प्राप्त है तो किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा व्यवहार होगा, किसी के साथ पहले दर्जे का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा, तो वो फिर समान नागरिकता नहीं होती है। तो अगर हम राजनीतिक आयाम की बात करें तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है समान नागरिकता। उसके बाद में बात करें अधिकार, जो भी अधिकार दिए जाए वो सभी नागरिकों को समान दिए जाए। उसके बाद में बात आती है शासन, चुनाव लड़ना, चुनाव में भाग लेना, सत्ता में जाना, इन सबकी सबको एक समान जो है भागीदारी दी जाए, वो सब क्या कहलाती है? राजनीतिक। फिर उसके बाद में अवसर, यहां भी वही सब चीजें आएंगी कि चुनाव लड़ने का उनको अधिकार दिया जाए, तो ये सब चीजें जो है वो राजनीतिक समानता कहलाती है। जहां अगर हम आए समाज की बात करें, सामाजिक समानता, तो ये बहुत बार हम ये बोल चुके हैं, जब हमने स्वतंत्रता का चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने कई बार इस बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, रंग और नस्ल, इन में से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए,
उसी को कहते हैं सामाजिक समानता। ये कोई भी आप इनमें से मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो जाति का हो, चाहे लिंग का हो, चाहे जन्म स्थान का हो, धर्म का हो, रंग का हो, नस्ल का हो, किसी भी एक भी पॉइंट के आधार पर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाए तो वो कहलाता है सामाजिक समानता। इनसे थोड़ा अलग पहलू है आर्थिक समानता का। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थिक समानता किसे कहेंगे? अब आर्थिक समानता तो ये कह देंगे कि चलो हर एक नागरिक के पास एक जितना जो है वो दौलत होनी चाहिए तो उसको आर्थिक समानता कह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या ये कह दें कि सबको एक समान वेतन मिलना चाहिए, तो क्या वो व्यक्ति जो मजदूरी का काम कर रहा है उसको उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कोई व्यक्ति पढ़ लिख के अच्छे से जो है शासन संभाले, या साइंटिस्ट हो, या मैथमेटिशियन हो, या कलेक्टर बना हो, या जो डॉक्टर बना हो बहुत मेहनत करके, क्या उनकी एक बराबर सैलरी होनी चाहिए? आर्थिक समानता से आप क्या ये समझते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थिक समानता का अर्थ होता है किसी किन्हीं दो व्यक्तियों को यदि बराबर योग्यता है तो उस योग्यता के ध्यान में रखते हुए बराबर अवसर मिलने चाहिए, बराबर ही वेतन मिलना चाहिए और बराबर ही उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इन सबको हम आर्थिक समानता की श्रेणी में ला सकते हैं। तो यानी कि तीनों जो आयाम है वो तीनों एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अगर हम राजनीतिक समानता नहीं देंगे तो हम सामाजिक समानता से सरोकार नहीं रख सकते। अगर हमारे समाज में समानता नहीं है तो हम राजनीतिक समानता की बात नहीं कर सकते। और आर्थिक समानता तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से कई बार सरकारें उलट पुलट हो जाती है। यानी अर्थव्यवस्था जो है कहने को एक छोटी चीज है लेकिन वो कहीं ना कहीं इन सब समानताओं की धुरी बनी हुई है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है वो तीन आयाम, उनको किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करके हम पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, उनको देखते हैं। तो समानता के तीन आयाम हम देख सकते हैं, यहां भी वही है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी। और जब ये तीनों इक्वालिटीज आपस में मिल जाती हैं तब वो इक्वालिटी को पूरा करती है, तब वो समानता की ये जो अवधारणा हम पढ़ रहे हैं उस समानता की अवधारणा को पूर्णता प्रदान होती है। समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार की असमानताओं की पहचान करते हुए विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समानता के तीन प्रमुख आयामों यानी कि राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला है। While identifying different kinds of inequalities that exist in society, various thinkers and ideologies have highlighted three main dimensions of equality, namely political, social and economical equality. तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक समानता की। ठीक है, राजनीतिक समानता क्या होती है? हमने देखा कि राजनीतिक समानता यानी नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, राजनीति में अवसरों की समानता, उन्हीं को हम राजनीतिक समानता कह सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समानता में आमतौर पर राज्य के सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना शामिल होता है। आप बहुत बार पढ़ते हो ये सब चीजें, हमारे देश में अभी ये सब कुछ चल भी रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए, जो कॉमन सिविल कोड है। तो अब ये सब चीजें क्या है ये आप अभी तो समझोगे जब आप इन चीजों को समझ पाओगे कि नागरिकता क्या है। नागरिकता यानी उस देश में रहने का हक, उस देश के नागरिक होने का हक। तो समान नागरिकता का मतलब अगर कोई इस देश का नागरिक है, अब जैसे भारत है, भारत एक बहुत ही लंबा चौड़ा विशाल देश है, हिमालय की पहाड़ों से लेकर और कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक बहुत विस्तृत है। तो ऐसे में कहीं भी किसी भी कोने का नागरिक अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे तो वो कहलाएगी समान नागरिकता, कि हर नागरिक को एक जैसे अधिकार हो, हर नागरिक के एक जैसे कर्तव्य हो, हर नागरिक पर एक जैसी स्वतंत्रता हो, हर नागरिक पर एक जैसी बंदिशें हो, तो वो कहलाएगी समान नागरिकता। समान नागरिकता अपने साथ कुछ बुनियादी अधिकार लाती है, जैसे वोट देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन और संघ और विश्वास की स्वतंत्रता। ये सब चीजें हर नागरिक को प्राप्त होती है। समान नागरिकता का अर्थ ही यही है कि हर नागरिक को ये सब चीजें समान रूप से प्राप्त होती है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप। तो ये जो इक्वल सिटीजनशिप है ना, यही जो राजनीतिक समानता है उसका आधार है। टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग विद इट सर्टेन बेसिक राइट्स
such as the right to vote, freedom to expression, movement and association and freedom of belief. तो आपको अगर ये पूछा जाए कि समान नागरिकता किन किन अधिकारों की जननी है या कौन से ऐसे अधिकार हैं जो समान नागरिकता से पैदा होते हैं, तो आपको ये अधिकार बताने हैं. वोट देने का अधिकार, चाहे 18 साल का हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति है, बस वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए. उसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको आंदोलन करने का अधिकार है, अपने हिसाब से संघ बनाने का अधिकार है, और अब विश्वास की स्वतंत्रता है. विश्वास का मतलब धर्म को मानने की स्वतंत्रता है. तो उसको हम कहेंगे समान नागरिकता. तो उसको एक जैसी नागरिकता मिली हुई है. उन देशों में भी काफी असमानता मौजूद हो सकती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करते हैं, लेकिन असमानता इसके बावजूद भी हो ही सकती है. कंसीडरेबल इनइक्वालिटी कैन एग्जिस्ट इवन कंट्रीज विच ग्रांट इक्वल राइट्स टू द सिटीजंस. ये असमानताएं अक्सर संसाधनों और अवसरों में अंतर का परिणाम होती है. देखो, संसाधनों और अवसरों में कैसे, अब कोई व्यक्ति ऐसे इलाकों में रहता है जो भौगोलिक दृष्टि से काफी ज्यादा जो है कटे फटे अलग है, जैसे कि समझिए कि अंडमान निकोबार में रहते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहां किसी चीज को उनको मिलने में, कोई सुविधा मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, या हो सकता है उनको किसी चीज का पता नहीं हो, तो ऐसे में थोड़ी असमानताएं पैदा हो सकती है. ये असमानता अक्सर संसाधनों और अवसरों में अंतर का परिणाम होती है जो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध होती है. These inequalities are often the results of differences in the resources and opportunities which are available to citizens in social and economical spheres. तो कई बार ये भी हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता. वहीं अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो वो वैसे लाभ नहीं उठा पाता, कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो सब लाभ उठा लेता है. तो ये अवसरों की असमानताएं उस वजह से पैदा होती है, लेकिन नागरिक जो राज्य की तरफ से जो समानता है, राज्य की तरफ से जो भी समान नागरिकता दी गई है, उसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता. इस कारण से समान अवसरों या समान अवसर के लिए अक्सर मांग की जाती है. राजनीतिक और कानूनी समानता न्याय संगत और समतावादी समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है. यानी कि राजनीतिक समानता जो है वो राज्य का न्यायपूर्ण होने की पहली शर्त है कि भाई कोई राज्य कितना न्यायिक है, कितना जस्टिफाइड है. तो इसकी पहली शर्त क्या है, समान नागरिकता और समान राजनीतिक अवसर. For this reason, a demand is often made for equal opportunities or for a level playing field. Political and legal equality are an important component of a just and elegant society. तो यानी कि बहुत जरूरी है कि अगर कोई राजनीतिक समानता अपने यहाँ स्थापित करना चाहता है तो उसको प्रत्येक नागरिक को समान नागरिकता प्रदान करनी होगी. अब हम पढ़ते हैं सामाजिक समानता के बारे में. राजनीतिक समानता आपने पढ़ ली कि राजनीतिक समानता मतलब प्रत्येक नागरिक को राज्य के द्वारा एक जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाना. सामाजिक समानता किसे कहेंगे, हमने डिस्कस किया कि सामाजिक समानता जो है वो राजनीति में नहीं होती, वो पैसे के मामले में भी नहीं होती, वो हमारे समाज में से निकल कर आती है. राजनीतिक समानता या कानूनी समानता की विचारधारा सामाजिक समानता के बिना अधूरी है. यानी अगर समाज में समानता नहीं है तो राजनीति में भी समानता की आशा करना व्यर्थ है. पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. समानता की खोज के लिए आवश्यक है कि विभिन्न समूहों और समुदायों के लोगों को भी उन वस्तुओं और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिले. यानी कि जो पिछड़े रह गए हैं, चाहे जाति की वजह से, चाहे किसी विशेष स्थान पर पैदा होने की वजह से, किसी विशेष लिंग की वजह से, अगर वो कोई पिछड़े रह गए हैं तो जब तक उनको बराबर अवसर नहीं दिए जाएंगे तब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं की जा सकेगी. The pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities. समानता के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को कम करना और समाज के सभी सदस्यों के लिए जीवन की कुछ न्यूनतम स्थितियों की गारंटी देना आवश्यक है. पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी शिक्षा का अवसर, पर्याप्त पोषण और न्यूनतम मजदूरी. अब ये सब क्या है, ये सब देखो, जब कोई व्यक्ति अपना परिवार बनाता है,
तो उसको बेसिक जरूरतें क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सब जानते हैं, उसके साथ साथ अब शिक्षा भी। तो किसी व्यक्ति को अपने परिवार की इन सभी बेसिक जरूरतों को पूरा करने का समान अवसर दिया जाए। हाँ, अब कोई व्यक्ति उठ के काम ही नहीं कर रहा है तो उसको मजदूरी क्यों मिलेगी, लेकिन हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएं कि वो अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सके। फॉर परस्यूट इक्वालिटी इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज एंड गारंटी सर्टेन मिनिमम कंडीशंस, यानी कि वो न्यूनतम चीजों तो उसको अवेलेबल करवाई ही जाए, मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, आईई एडेक्वेट हेल्थ केयर, यानी कि उसको पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, द अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, उसके बच्चों को शिक्षा मिल सके, एडेक्वेट नरिशमेंट, पर्याप्त पोषण मिल सके, यानी वैसा खाना मिल सके जो व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए जरूरी है, एंड अ मिनिमम वेज अमाउंट, अदर थिंग्स, और इन सब के लिए उसको क्या मिली, इन सब के लिए मिनिमम उसको न्यूनतम मजदूरी तो मिले कम से कम। भारत में समान अवसरों के संबंध में एक विशेष समस्या न केवल सुविधाओं की कमी से आती है बल्कि कुछ रीति रिवाजों से भी आती है जो देश के विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न समूहों में प्रचलित हो सकती है। ये यहाँ आते आते हमारे देश में सामाजिक असमानताएं पैदा हो जाती है, छुआछूत, जो लैंगिक भेदभाव है वो, या फिर हम कई बार इसको इसमें जाति को शामिल कर लेते हैं, कई बार इसमें धर्म को शामिल कर लेते हैं, फला फला जाति का है हम उससे बात नहीं करेंगे, फला फला धर्म का है तो हम उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकते, औरतें जो है वो आदमियों से कमतर है, तो ये कुछ ऐसी जिनको रीति रिवाज भी कह सकते हो, विचार भी कह सकते हो, ये सब चीजें जो है ना वो समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी यानी असमानता की भावना को पैदा कर देती है। उदाहरण के लिए महिलाओं को कुछ समूहों में विरासत के समान अधिकार नहीं मिल सकते हैं, या कुछ प्रकार की गतिविधियों में उनके भाग के संबंध में सामाजिक प्रावधान हो सकते हैं। आपने अभी सर्टेन ही कुछ केसेस पढ़े होंगे अखबारों में कि इस मंदिर में महिलाओं के जाने की अनुमति नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं कि भगवान जब एक है, भगवान सबका है, तो उसमें महिलाओं और पुरुषों का भेदभाव क्यों किया जाए। तो इसके लिए हालांकि आवाजें भी उठी है और कोशिश की जा रही है कि सब जगह समानता की स्थिति पैदा की जाए, लेकिन आज भी हमारे समाज में इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं, इसका मतलब असमानता भी मौजूद है। इन इंडिया अ स्पेशल प्रॉब्लम रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम लैक ऑफ फैसिलिटीज, ये सिर्फ अवसरों की समानता नहीं, असमानता की वजह से नहीं या कमी की वजह से नहीं है, बट फ्रॉम सम ऑफ द कस्टम्स विच मे प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। ये परंपराएं हैं, कुछ परंपराएं जो शुरू से चलती आ रही है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे मध्यकाल में जब आक्रमणकारी आए और उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए तो वो क्या करते थे, धन दौलत के साथ साथ औरतों बच्चियों को भी उठा के ले जाते थे, तो उस समय क्या किया गया, उनको पर्दे में रखा गया, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी और ये सब चीजें थी। अब उसको, उस परंपरा को, उस परिपाटी को अब तक निभाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि महिलाओं को कमतर दर्जा मिल गया समाज में, और वो कमतरी का दर्जा बराबर का इंसान होते हुए भी अभी तक जारी है। तो ये सब चीजें समाज में असमानता की भावनाएं पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन में नॉट जस्ट एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सम ग्रुप्स, और देयर मे बी सोशल प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर देयर पार्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो हमने देखा कि किस प्रकार कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहां औरतों के जाने की मनाही है, तो ऐसी भावनाएं, ऐसी चीजें, ऐसे दृश्य हमेशा असमानता को पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये समझने वाली बात है कि जो सरकार होगी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर रोल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा या कुछ व्यवसायों को खोलने की प्रोत्साहन प्रदान करने, और इस ऐसे इनसे जुड़े हुए अन्य उपाय भी सरकार को करने चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे वो जो भेदभाव किया जा रहा है, वो जो असमानता की स्थिति पैदा की जा रही है, वो कम होगी पहले से। द स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर्स, इट शुड मेक पॉलिसीज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड इंटेंसिव इंसेंटिव्स टू ओपन अप एजुकेशन और सर्टेन प्रोफेशंस टू वुमेन एंड अदर सच मेजर्स।
फॉर एग्जाम्पल जैसे फौज में अभी भी महिलाओं की भागीदारी उतनी सुनिश्चित नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उस भागीदारी को अगर बराबर नहीं किया जा सके तो कम से कम उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि जितनी जल्दी हो वो बराबरी, वो समानता के लेवल तक आ सके। तो ये है सामाजिक समानता। अब इसके बाद पढ़ते हैं आर्थिक समानता। तो हमने दो पहलू देखे, एक तरफ राजनीतिक, जहां हम किसी और दूसरे पहलू की बात करते नहीं है, सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। समाज जहां कितने सारे पहलू आ जाते हैं, जहां लैंगिक भेदभाव भी आता है, जहां जातियों के हिसाब से भी देखा जाता है, जहां समाज में धर्म के हिसाब से भी देखा जाता है, लिंग के हिसाब से भी, तो यानी वो होती है सामाजिक असमानता। अब है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता कैसे लाई जाए समाज में? यदि व्यक्तियों वर्गों के बीच धन संपत्ति या आय में महत्वपूर्ण अंतर है तो इसका अर्थ है कि एक समाज में आर्थिक असमानता मौजूद है। अगर कोई समाज ऐसा है जहां जहां की जनसंख्या का एक निश्चित हिस्सा तो बहुत ज्यादा धनी है और कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा गरीब है, और ऐसा थोड़े समय से नहीं है, ऐसा लंबे समय से चला ही आ रहा है, तो इसका मतलब उस समाज में आर्थिक असमानता बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम बिटवीन इंडिविजुअल्स और क्लासेस। एक समाज में आर्थिक समानता के मापने के दो तरीके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आर्थिक समानता की बात करते हैं तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक समाज में आर्थिक असमानता की मात्रा को मापने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि सबसे अमीर और सबसे गरीब समूहों के बीच के सापेक्ष अंतर को मापा जाए, कि भाई जो सबसे अमीर है वर्ग उसके पास कितना दौलत है, कितनी दौलत है, और जो सबसे गरीब वर्ग है उसके पास कितनी है, और उनके अंतर को एकदम सीधे सीधे ही नाप लिया जाए और फिर देखा जाए कि कितना अंतर है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जाए, एक रेखा निर्धारित की जाए, एक लेवल, एक स्केल बनाया जाए कि इससे नीचे रहने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जाए। अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब देश में आर्थिक असमानता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम है इसका मतलब आर्थिक समानता कहीं असमानता कहीं ना कहीं कम हो रही है। देर आर टू वेज टू मेजरिंग डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। First is measuring the relative difference between the richest and poorest group. Another way could be to estimate the number of people who live below the poverty line. तो ये दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो सबसे गरीब वर्ग और सबसे अमीर वर्ग है उनके बीच में देख लो अंतर कितना है। अगर अंतर बहुत ज्यादा है इसका मतलब कि भाई एक तो करोड़ों में खेल रहा है और दूसरों को हजारों में ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अंतर बहुत ज्यादा है। और अगर ये है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जनसंख्या के अनुपात में, तो भी इसका मतलब आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। समान अवसरों के साथ व्यक्तियों के बीच असमानता बनी रहती है, लेकिन पर्याप्त प्रयास से समाज में किसी की स्थिति में सुधार आने की संभावना है। हालांकि जरूरी ऐसा हो नहीं सकता कि सबको समान अवसर ही दे दिए जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई अधिक योग्य होता है, कोई कम योग्य होता है, तो ऐसे में सबको इस तरह से तो नहीं किया जा सकता कि भी सबको एक बराबर सैलरी दी जाए, लेकिन अगर एक लेवल तक दो व्यक्तियों के बीच में समानता है तो उनको अवसरों की समानता भी प्रदान की जानी चाहिए। विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इनइक्वालिटीज मे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, बट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग वन्स पोजिशन इन सोसाइटी विद सफिशियंट एफर्ट। पीढ़ी दर पीढ़ी अछूती रहने वाली असमानताएं समाज के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। अभी हमने बात की थी कि अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कई पीढ़ियों से वहां हैं तो जरूर वो समाज को के लिए जो है वो दिक्कत पैदा हो जाएगी, कि अगर उनके ऊपर उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ किया नहीं गया तो फिर वो आंदोलनकारी वो विरोधी की भूमिका में आ जाते हैं। एक समाज में कुछ वर्गों के लोगों ने काफी धन का आनंद लिया है और जो शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है, समाज उन वर्गों और अन्य के बीच विभाजित हो जाएगा जो पीढ़ियों से गरीब रहे हैं। इन अ सोसाइटी सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल हैव एंजॉयड कंसीडरेबल वेल्थ एंड द पावर विच गोज विद इट ओवर जनरेशंस, द सोसाइटी वुड बी बिकम डिवाइडेड बिटवीन दोज क्लासेस एंड अदर हु हैव रिमेंड पुअर अदर जनरेशन। अब कई पीढ़ियों से कुछ लोग तो अमीर ही बने हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बाप दादा बहुत ज्यादा अमीर थे, उन्होंने चाहे कुछ किया ही नहीं हो, और कई लोग सिर्फ गरीब इसलिए बने हुए मेहनत करने के बावजूद, तो क्या होगा, तो उनके बीच में एक वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
ये वर्ग संघर्ष क्या है, ये हम जब मार्क्सवाद पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो ये जो वर्ग संघर्ष है, ये वर्ग संघर्ष समाज के लिए हानिकारक होता है। ये वर्ग संघर्ष समाज को दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है, एक तो वो जो पीढ़ियों से शक्ति और धन का आनंद ले रहे हैं, और एक वो जो पीढ़ियों से इन चीजों से अछूते हैं। समय के साथ इस तरह के वर्ग मतभेद आक्रोश और हिंसा को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को और अधिक खुला और समतावादी बनाने के लिए सुधार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंस कैन गिव राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेल द क्लासेस। इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच अ सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड इगैलिटेरियन, और उसको मतलब समानता वहां लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शिकायत हमेशा बनी रहेगी कि किस प्रकार कुछ लोगों को हमेशा से ही अमीरी मिली है और कुछ लोगों को हमेशा से ही गरीबी मिली है। तो आज हमने पढ़े कि समानता के आयाम कौन कौन से हैं, क्यों हम इनको डिफ्रेंशिएट करके देखें, और किस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब बारी है वो क्वेश्चंस की जो आपको, अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आंसर दे सकते हो बहुत आराम से। पहला क्वेश्चन है, समानता के तीन आयाम कौन कौन से हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। दूसरा क्वेश्चन है, समान नागरिकता प्रदान करना किस प्रकार की समानता के अंतर्गत आता है? What type of equality is the granting of equal citizenship? अगर किसी को समान नागरिकता दी जाती है तो वो कौन सी समानता का, कौन से आयाम की बात की जा रही है? तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the social equality? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक असमानता को मापने के कौन कौन से दो तरीके हैं? दो तरीके हमने देखे थे, तो वो कौन से दो तरीके हैं जिनसे ये नापा जा सके कि समाज में आर्थिक असमानता है या नहीं है? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्थिक असमानता बढ़ने के क्या परिणाम हो सकता है? अगर समाज में ये आर्थिक असमानता बढ़ती जाए तो क्या हो जाएगा समाज में? What could be the consequences of increasing economic inequality? ठीक है, तो ये questions के answer आपको comment box में लिखने हैं, और जो बच्चा पूरे chapter तक सारे questions के answer सही देगा उसको हम reward देंगे, हम अपने videos में शामिल करेंगे उसके answers को, उसके name को। ठीक है ना, तो जवाब जरूर देना। आज के video में बस इतना ही, और भी इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।